नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं बाय सेल सिग्नल के ऊपर बेस करके बात नहीं करूंगा। आज को मैं चार्ट पैटर्न का काम क्या है, चार्ट पैटर्न कैसे हम लोग को हेल्प करता है, उसका रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूं जो चार्ट पैटर्न होता क्या है। चार्ट के ऊपर जो पैटर्न ड्रॉ किया जाता है उसे हम लोग चार्ट पैटर्न कहते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा ऐसा ट्रेडर है जो टेक्निकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका ऊपर बेस करके पैटर्न ड्रॉ करते हैं, और पैटर्न ड्रॉ का द्वारा हम लोग एक प्रिडिक्शन बनाते हैं जो मार्केट में मूवमेंट आने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस टाइप का प्रिडिक्शन हम लोग मैनुअली करते हैं, बट यही चीज हम लोग का सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आएगा जो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। तो उसी का एक एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये 19,800 का पुट का चार्ट है, मार्केट यहाँ पर चलिए ओपन हुआ है, तो ये प्राइस एक्शन रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो देखते हैं चार्ट पैटर्न बनता कैसे है और चार्ट पैटर्न बनने का बाद उसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए अभी मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे पैटर्न बनने के लिए, जो पैटर्न कैसे बनता है। तो आप जस्ट मिडिल का जो इंडिकेटर है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहां पर आपको दिखाई देगा जो पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए ये जो ग्रीन कलर का एरो आपका सामने दिखा, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। और ये पैटर्न आपको ये जब कैंडल आया तब रिफ्लेक्ट हुआ, कौन सा कैंडल पे, यहाँ पर। तो ऐसा नहीं जो जिस कैंडल पे पैटर्न आता है उस टाइम पे आता है, पैटर्न का काम ऐसा नहीं होता। पैटर्न मतलब जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होता तब तक पैटर्न नहीं बनेगा। तो ये पैटर्न बनने का मतलब यही है, बाइंग पैटर्न है, ग्रीन एरो मतलब बाइंग पैटर्न है, जो आगे आपको एक लंबा रैली आने वाला है या आ सकता है 19,800 का पुट में। तो पैटर्न का काम जस्ट इतना है, बट हम लोग यहाँ पर एंट्री लेने का टाइम नीचे का जो ब्रिक्स है उस इंडिकेटर को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से आपका एंट्री यहाँ पर बनता है। तो पैटर्न तो बता दिया जो मार्केट में लंबा रैली आने वाला है, बट एग्जैक्टली अगर हम लोग को पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए हम लोग ब्रिक्स इंडिकेटर को देखते हैं। अगर आप ब्रिक्स इंडिकेटर पहली बार देख रहे हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर कैंडल का कलर ग्रीन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ब्राउन कलर का मीडियम में आपको एक छोटा सा ब्राउन कलर का पतला सा लाइन दिखाई दे रहा है, उसका ऊपर मार्केट को जाना है। जैसे यहाँ पर सोचिए कॉल आपका कंफर्म किया है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर का तरह मूवमेंट भी किया, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है अभी थोड़ा सा, बट ब्राउन कलर का लाइन का नीचे नहीं आया। देखिए ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आने का मतलब है यहाँ पर आपके लिए खतरा है। तो कभी कभार क्या होता है, पैटर्न जो ड्रॉ होता है वो हम लोग को फंसाता भी है, बट अल्टीमेट देखेंगे ये ओवरऑल क्या प्रेडिक्शन देखे गया है। देखिए दोबारा यहां पर पैटर्न ड्रॉ हुआ, तो देखिए एक बार यहां पर पैटर्न ड्रॉ हुआ तो थोड़ा सा मूवमेंट किया, कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाया, अल्टीमेट मार्केट गिर गया था। अभी दोबारा यहां पर पैटर्न बना रहा है, तो ये बार बार जो पैटर्न आपका बाइंग का बन रहा है, तो ये एक संकेत है जो एक लंबा मूवमेंट आपको यहां पर दिख सकता है। ध्यान से देखिए पैटर्न जो ड्रॉ हुआ था वो हट गया है। तो कभी कभार क्या होता है, पैटर्न आता है तो एक कैंडल वेट कीजिएगा, तो देखिए दोबारा उसी जगह पे पैटर्न ड्रॉ हुआ है, मतलब ये मार्केट जो थोड़ा सा नीचे आया था पैटर्न यहाँ से हट गया, अब दोबारा उसी जगह पे उसी कैंडल पे जहां पर पैटर्न फर्स्ट टाइम आया था, रिफ्लेक्ट आया था, चला गया था, अब उसी जगह पे दोबारा पैटर्न सॉफ्टवेयर ने ड्रॉ कर रहा है। तो अल्टीमेट देखिए उसका बाद मार्केट में एक लंबा उछाल दिखाई दिया है। तो इस चीज का इंतजार था हम लोग को। जो पैटर्न एक्चुअली क्या काम करता है, पैटर्न आपको बताता है जो मार्केट में एक लंबा रैली है। तो पहला पैटर्न यहाँ पर बना था जो खास मूवमेंट नहीं दे पाया, थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा पैटर्न बना, एक बार आपको ये भी दिखाई दिया जो पैटर्न गायब हो गया था, बट दो तीन कैंडल बाद दोबारा उसी जगह पे पैटर्न ड्रॉ हुआ, तो ये यहाँ पर लगभग कंफर्म कर दिया था इस कैंडल पे जहां पर ये ब्रिक्स को भी तोड़ रहा है। तो मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पर होगा, इस टाइम मार्केट का वैल्यू था लगभग 48 का आसपास, तो 48 से लेके ये हाई मार दिया है आपका 64। तो निफ्टी के लिए 10 से 15 पॉइंट का हम लोग के लिए इनफ होता है, तो यहाँ पर उससे ज्यादा पॉइंट देखेंगे। तो पैटर्न का इंपॉर्टेंस यहीं पर होता है, जो यहाँ पर कोई सिग्नल देखने का जरूरत नहीं है, जैसे कोई पैटर्न ड्रॉ होता है उसका भरोसे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। अब इसका बाद अगर आपका पास कोई अच्छा इंडिकेटर होगा, और अगर आप हम लोग का सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारा आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी का ऊपर आप बेस करके आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चार्ट पैटर्न यूज नहीं करते हैं तो जस्ट हम लोग का थ्रू अकाउंट ओपन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जैसे हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।